कलिंग के ऊपर मगध की आक्रमण हुई थी, तब कलिंग में कोई राजा नहीं थे। गवर्नेंस बॉडी, चार लोग बैठ के सम्राट अशोक के साथ लड़ेंगे। मैं उड़िया होने के नाते मैं नहीं मानता हूं कि मेरा पराजय हुआ था। 1,00,000 लोगों की बलिदान के बाद अशोक को धर्माशोक बनना पड़ा। यही मेरा कैपेसिटी था, यही मेरा रेजिलियंस था। पूरी ओडिया स्वाभिमान और आत्म परिचय प्रसंग उठाई ओडिशा को चर्चा को नेले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जेएनयू समावर्तन उत्सव रे दुई सफल ओडिया महामहिम राष्ट्रपति और केंद्र शिक्षा मंत्री कलिंग युद्ध प्रसंग उठाई 2200 वर्ष पुराना घटना माध्यम रे ओडिशार वीरत्वर कले व्याख्या। राजा नथिले भी केमिते युद्ध लड़ीले वीर ओडिया जाति। राजा बदल रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि समूह नेउथिला कि निष्पत्ति से समय थिला कि ओडिशा रे गणतंत्र एक स्वतंत्र रूप। कलिंग युद्ध समय ओडिशार निर्णय प्रक्रिया और समाज व्यवस्था उपरे बड़ अनुसंधान पाई धर्मेंद्र करथिले आह्वान। पाइक विद्रोह हेउ अथवा भीम भई एवं महिमा धर्म तथा देश विदेश रे ओडिया हस्तंत और हस्तकलार उपहार ओडिशार अस्मिता को सबुबले आगकु नै चर्चा रे पुणी थरे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। 2200 साल पहले मेरे राज्य में और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। जेएनयू के अंदर जब कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में, पीस स्टडी के बारे में, बुद्धिस्ट स्टडी के बारे में, सम्राट अशोक मगध सम्राट अशोक को उड़ीसा में चंडाशोक से धर्माशोक होते हुए यह वर्णित किया गया इतिहासकारों ने। मित्रों, तब जब कलिंग के ऊपर मगध की आक्रमण हुई थी तब कलिंग में कोई राजा नहीं थे। देयर वाज अ गवर्नेंस मॉडल, एक लोक समूह की लोक नेतृत्व था। यानी क्या था, चार लोग बैठ के सम्राट अशोक के साथ लड़ेंगे। मैं उड़िया होने के नाते मैं नहीं मानता हूं कि मेरा पराजय हुआ था। 1,00,000 लोगों की बलिदान के बाद अशोक को धर्माशोक बनना पड़ा। यही मेरा कैपेसिटी था, यही मेरा रेजिलियंस था। तब मेरे वहां कोई राजा नहीं थे, मेरे वहां डेमोक्रेसी था। भारत में 2200 साल पहले डेमोक्रेटिक फुटप्रिंट की मैं आपके सामने प्रमाण देता हूं। रिसर्च करें जेएनयू, मेरे बात को सहमति हो असहमति हो डिबेट के विषय होनी चाहिए। सेपटे जेएनयू रो समावर्तन उत्सव रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कलिंग युद्ध को नहीं निजर मत उपस्थापन करिवा परे एहा ऊपर अधिक रु अधिक गवेषणा हेबार आवश्यकता रहिछि बोली कहिछंती गवेषक। धर्मेंद्र प्रधान जहां मंतव्य देइछंती एटा बिल्कुल ठीक। सेतर तो गोटे एमती के पूरा साम्राज्य कहार थिलानी, छोटा राजा भी तांको कहि परिबेनि के तांकर एरिया कंट्रोल करथले। सेमने गोटे माने इलेक्टेड तो कहिबेनि, सेमने तांकर निज निज टेरिटरी ताकु सेफगार्ड करथले। अशोक युद्ध बेले एटा सत, समस्ते एकाठी होइथिले। से गोटे एमतिया पीरियड ऑफ हिस्ट्री जहाँ विषय में बहुत किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आम पाखे थी कि शिलालिपि अच्छी लेटर लेटेड डेज रे तमर कॉपर प्लेट ग्रांट अच्छी सा किसी होकर भी गोटे ग्रे एरिया सदाड़े रही हिस्ट्री रेटा। आज जेएनयू कैंपस को देशर ज्ञानर केन्द्र भाव में वर्णना कर पृथ्वीर पुराणा सभ्यता भारत निजर भौतिक संपद पर नुहे ज्ञान पर विश्वर स्वीकृति पाइला बोली कहते केन्द्रमंत्री। जेएनयू कैंपस भिन्न मत और वितर्क केन्द्र होगा स्वागत करने भारतीय गणतंत्र शक्ति बोली कहते केन्द्रमंत्री। नुआ दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।